दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे। मैं भी खास टोली यूट्यूब पे लेके आया हूँ थर्ड वीडियो टेनिस के पोस्ट मैच वाली स्टोरी रिगार्डिंग। और जो इस बार वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ जो प्लेयर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट दोनों ही प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, बट जो इन्होंने इस बार प्रदर्शन किया 84 ने ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया। मैं लेके आया वीडियो फ्रांसिस टीफॉय वर्सेज नीदरलैंड के प्लेयर टैलन ग्रेस पूल की। दोनों प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दी। पहले सेट में टीफॉय ने सेकंड सेट में भी चांसेस थे, बट चांसेस को उन्होंने बुनाया नहीं। वो टैलन ने अपने चांसेस को बचाया और क्रिएट किया और सेकंड सेट जीता। बट थर्ड सेट में फ्रांसिस टीफॉय एक बार शानदार प्रदर्शन करते हैं, ये वाला सेट भी जीते और मैच भी जीते। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांसिस टीफॉय ATP 1910 वर्सेज ATP 1925 टेलन की। और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तीन सेट्स तक चला मैच और तीन सेट्स तक जब मैच चला तो बढ़िया प्रदर्शन जो किया वो किया फ्रांसिस टीफॉय ने। दोस्तों, एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स आपको मिल सके तुरंत के तुरंत। और मैं दोस्तों पहले सेट की बात करूँ तो पहले सेट में अच्छा प्रदर्शन किया टीफॉय ने। इनफैक्ट देखा जाए टैलन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बट टीफॉय ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। सर्विस गेम इस बार 1-1 पे दोनों ने होल्ड रखा, उसके बाद 2-1 हुई, उसके बाद टीफॉय ने अपनी सर्विस गेम पे भी होल्ड रखा और सर्विस गेम की ब्रेक भी थी। लग रहा था कि टीफॉय अब आसानी से जीत जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि टीफॉय की सर्विस गेम उन्होंने तुरंत ब्रेक बैक की, 4-4 पे बराबरी हो गई। उसके बाद टीफॉय ने 5-4 किया और सर्विंग टू स्टे इन द सेट कराए थे जब टैलन, तो यही मौका उन्होंने लिया और टीफॉय ने सर्विस गेम ब्रेक की, 6-4 से ये वाला सेट जीता। सेकंड सेट की बात की जाए तो सेकंड सेट की शुरुआत इस बार टैलन की ज़्यादा अच्छी हुई थी। क्यों? क्योंकि 1-1 के बाद सर्विस गेम उन्होंने ब्रेक की थी, 3-1 से आगे चल रहे थे, फिर टीफॉय ने अपनी सर्विस गेम पे उठा, सर्विस गेम उनकी भी ब्रेक बैक की, 3-3 से बराबर आया, 4-4, 5-5, 6-5 किया। उसके बाद टैलन जब सर्विस गेम करा रहे थे तो मैच पॉइंट आया था, जिसे ब्रेक में भी बोला जा सकता है टीफॉय के पास, बट टैलन ने वो सेव किया। उसके बाद टाई ब्रेकर हुआ, टाई ब्रेकर में भी मैच पॉइंट एक बार सबसे पहले सेट पॉइंट आया टैलन के पास, उसके बाद मैच पॉइंट फिर से आया फ्रांसिस टीफॉय के पास, फिर से टैलन ने सेव किया जैसे उन्होंने अपनी लास्ट सर्विस गेम में किया था सेकंड सेट में। उसके बाद ये टाई ब्रेकर जीता भी टैलन ने 9-7 से और ये मैच बराबरी पर लाया। थर्ड सेट पे आ रहे थे डिसाइडर पे बढ़िया प्रदर्शन जो करेगा वही जीते। जो इस बार बढ़िया प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा किया वो है फ्रांसिस टीफॉय ने। टीफॉय ने 1-1 सर्विस गेम को ठीक, उसके बाद एक सर्विस गेम ब्रेक भी की थी, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखे जा रहे थे, टैलन को सर्विस गेम ब्रेक करनी थी जो कि वो नहीं कर पाए और 6-4 से टैलन के खिलाफ जीते फ्रांसिस टीफॉय। पहला सेट 6-4, सेकंड सेट 6-7 और टाई ब्रेकर से रन 9-7 और थर्ड सेट 6-4 से जीते। दोस्तों, नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। नेक्स्ट राउंड में जो मैच होगा वो डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि कैंसिल हो गया था मैच बीच में। स्टैन वावरिंका और ब्रेंडन नाकाशिमा दोनों प्लेयर्स 1-1 सेट ऑल है, तो कोई भी प्लेयर आ सकता है इनके खिलाफ खेलने। फिलहाल दोस्तों अगर ये वाले स्टैट्स क्यों डालते, पहला मैच था हेड टू हेड रिकॉर्ड में और हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीफॉय जीत के हेड टू हेड रिकॉर्ड में 1-0 से आगे चले गए हैं। और ये मैच के स्टैट्स क्यों डाले तो देखा जाए एसीज नॉर्मली आए हैं, डबल फॉल भी इतने नहीं आए हैं, ब्रेक पॉइंट्स आए, काफ़ी बार सेव भी हुए हैं, बट जो ज़्यादा बार कन्वर्ट किए हैं वो किए हैं फ्रांसिस टीफॉय ने। ये पहली सर्विस गेम में किया था, सेकेंड में भी किया था उन्होंने, थर्ड में भी किया था। दूसरे देखा जाए टैलन ने पहले में भी किया था, सेकंड में भी किया था, बट थर्ड में नहीं किया था। और पहले में टीफॉय ने 2 बार किया था, उन्होंने 1 ही बार किया था, यही मेन कारण था। प्लस ज़्यादा मेन कारण मैं टाई ब्रेकर को भी मान सकता था, बट टाई ब्रेकर को इसलिए नहीं मान पा रहा क्योंकि टाई ब्रेकर वो 8 ही जीते हैं, 2 सेट नहीं जीत पाए टैलन। तो दोस्तों क्या लगता है दोनों प्लेयर्स कैसा प्रदर्शन करेंगे अपने आने वाले मैचेस में, इसके बारे में राय दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।